खत्म करना है। हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट सेशन दैट वी डिड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग आंसर्स ऑन दिस पेपर विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड द गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन इम्प्रूव अपॉन आवर लर्निंग्स थ्रू आवर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो थ्रू स्मार्ट एफिशियंट एफर्ट्स। सो वी वर एट क्वेश्चन नंबर 50। वी वर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन विच इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम, लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम। तो हम बात कर रहे थे, इफ यू चेक आउट द प्रीवियस डिस्कशन, कि इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ यू नो अर्बन एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड होम अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बेसिकली। एंड द सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट इट इज aimed at providing finance eligible startups involved in development of sustainable technologies and funded by Global Environment Facility, a multilateral fund. तो इसमें क्या बताया आपने क्वेश्चन नंबर 50 में? Anyone who has attempted this? Because जहां तक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात है, आप वापस से चलिए उधर। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंड, वन ऑफ द इनिशियल फंड्स इफ अगर आप इंडिया बुक भी पढ़ते हो, और आप देखोगे उसकी फंडिंग बहुत ही एक सस्टेनेबल और एक प्रॉपर तरीके से होती है। दैट इज वाई प्रॉब्ली यू कैन से सो। तो ठीक है, बट ज्यादा यूपीएससी वेग नहीं देगा, ज्यादा इधर उधर नहीं जाएगा, एक दो चीजें लेके आएगा बाहर की, लेकिन वो बहुत साइंटिफिक होगी, वो जस्ट वर्बोज नहीं होंगी, दैट्स आई कैन श्योर। ओके, फेमस सोशल रिफॉर्मर, मेडिकल ओपिनियन टू सपोर्ट हिज व्यू अगेंस्ट मेडिकल चाइल्ड ओपिनियन सर मैरिज। लिखा हुआ है अक्षय कुमार ये तो दत्त। केसी के, अच्छा अक्षय कुमार दत्ता है इसमें, केसी सेन मैंने नहीं है। इसमें डी किया था, बट इट इज अच्छा सी। आपने डी के, चलो देखते हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका के एडिटर नहीं थे भाई केसी सेन, अगर आप थोड़ी जानकारी दें तो इसमें अक्षय कुमार दत्त होंगे, सी होगा इसका आंसर। चलिए यस सूफिज्म, दिस वाज करेक्ट। इसमें सेकेंड ऑप्शन गलत है, प्रमोट दे रो इलैबोरेट एलाबोरेटेड कल्चर। एलाबोरेटेड ओरिजिनल, नहीं वो तो भक्ति नहीं सेट भी नहीं करते, दोनों ही रॉन्ग है थर्ड स्टेटमेंट, इज दो सबका ठीक होना करेक्ट, चाहिए। वैभव, फोर्थ इज करेक्ट। वैभव आपने किया है 52? जी सर, एक सेकंड देखता हूँ। अच्छा कोई नहीं, चलो प्रवेश तूने किया था, सर 134 किया है हाँ सर, वेरी गुड। 134 चलो है आंसर। चलो चलो शाबाश, चलो वाइकम सत्याग्रह, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, केपी केसवा, फर्स्ट केरला इज करेक्ट, सेकंड इज आल्सो करेक्ट। हिंदू सभा, बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजन नेचर इंडियन। नो नो नो, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। यस सर, क्वेश्चन नंबर फिफ्टी यहाँ फोर पे 1 लगाया था मैंने। 1 मिनट पीछे चलो भाई वापस, आपने 1 लगा दिया, आपने 3 कैसे सही मान लिया? ये तो ब्लंडर है 3 सर तो। थ्री नहीं, सर थ्री मैंने सही नहीं माना ना, मैंने तो 3 और 2 दोनों ही गलत माने हैं। थर्ड गलत है स्टेटमेंट, जी सर, और केरला हिंदू सभा सपोर्ट कर भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, सर केरला हिंदू सभा वाज फुल ऑफ ब्राह्मण, व्हाई इट विल तो उससे सपोर्ट। तो एक्चुअली आंसर व्हाट आंसर सेज वन एंड टू आर करेक्ट। भाई, इसीलिए कर सकती है प्रवेश जी, कि क्या होता है ना कई बार जब कोई सभा होती है ना जी उसके सर, अंदर भी रिफॉर्मिस्ट और प्रोग्रेसिव आइडिया हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन कभी तैयार नहीं होती। तो केरला हिंदू सभा पता नहीं अब ये मतलब कि हिंदू वर्ड की वजह से हम इसको नहीं वो कर सकते, एग्जामिनेशन तो हमें पॉजिटिवली इन्फ्यूज करेगा, मतलब ये दोनों तरह की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वाईकॉम सत्याग्रह पे अभी मैंने एक आर्टिकल भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, आई थिंक एक दो दिन पहले ही, वो उसमें बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास है, और क्योंकि इसकी सेंटेनरी बनाई जा रही है अब, तो 1923 की बात है ये, और 603 दिन तक चला था, और चारों तरफ की सड़कें भी बंद थी, तो लीडर जरूर आपको पता होने चाहिए, जैसे जहाँ पे अभी के पी केसवा दे दिया, और उसके बाद बाकी गांधी जी भी बाद में आए, पेरियार साहब का भी बहुत बड़ा रोल था। तो एक आर्टिकल है, आई विल अगेन शेयर इट विद ऑल ऑफ यू ऑन द ग्रुप। तो ठीक है, मतलब आपने जो नहीं भी मारा ना जी तो सर, क्या बोलूँ फिर मैं, लेकिन ये तो मतलब आप बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकते, हिंदू वर्ड हो गया तो क्यों करेगा, आप एकदम से इस गैस मोड में नहीं जा सकते। हम लोग ले सकते हैं 4-5 क्वेश्चनों में ऐसा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं ले सकते। चलिए आगे, हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू, नो सर, एक अभी गलत ये रॉन्ग है है। ना, अब सेकंड तो ठीक है, लेकिन हाँ सर, तो मैंने नहीं किया चलिए सर। हाँ चल, क्यों नहीं किया मानसी, ये तो ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत थी तुम्हें 54 में, सर वो चलो शोर आगे। नहीं होती तो मैं नहीं करती बिल्कुल। अरे भाई श्योर नहीं होती, मैं नहीं करती हूँ, ये कोई दिस नॉट अ लॉजिक। 55 श्योर होना पड़ेगा, दीपावली सर हरियाणा है सर। हाँ वही, शून्य शून्यवाद तो उसका है आपका,
तुमने था नागार्जुन, लिखा वैसे तो, ठीक है, महावंश उसको लोटस भी महा। महायान है। चलिए 56, सही है सर, हाँ सी है फर्स्ट और सर, सेकंड तो ठीक है। हाँ ठीक है, ये हमने किया भी है शायद कहीं। 57 गलत एस्ट्रोनॉमी होगा ये, एस्ट्रोलॉजी नहीं। है सर। 57 का वन आपका क्या गलत है इसमें? सर मैंने इसमें से सेकंड मारा था। फिरोज शाह तुगलक एस्टेब्लिश एन ऑब्जर्वेटरी विद वाटर क्लॉक इन दिल्ली। मोहम्मद गवान बिल्ड एन ऑब्जर्वेटरी इन, नहीं ये तो नहीं है, थर्ड ऑप्शन नहीं है सर, गलत है। मोहम्मद मोहम्मद गवान गवान ने ने किए तो थे। हाँ मदरसा बनाया, एजुकेशन उन्होंने सर सिस्टम्स किए वो हैं। ऑब्जर्वेटरी नहीं बना, फर्स्ट इज रॉन्ग। कोई बहाना नहीं बनाया था सर। और तो आपने क्या मारा है कौशिक जी, सर क्या इसमें मारा था मैंने कौशिक जी सी मार आपने? रखे थे, सी। तो 2 ओनली, तो रॉन्ग है आपका। हाँ सर, वन एंड अच्छा टू है सर। रॉन्ग, अरे 1 कैसे ठीक हो गया यार, तो वन 1 तो एंड रॉन्ग है। टू करेक्ट बोल रहे हैं, 1 एंड 2 आर करेक्ट। 1 कैसे हो सकता है? इट शुड बी, व्हाई इट शुड बी बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी, इट शुड बी बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी पीरियड, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स हैं भाई इसके अंदर। ज़ियाउद्दीन मोहम्मद शाही में, मोहम्मद शाह रंगीला को उसने गिफ्ट की थी सवाई जैसी में। एस्ट्रोलॉजी कैसे कह देगा ये, एस्ट्रोनॉमी है। जंतर मंतर इज नॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, इट इज अबाउट पोजिशन, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट सन, सन डायल है वही, वो सम्राट राम यंत्र, सम्राट यंत्र, एस्ट्रोलॉजी कैसे हो जाएगा वो? 1 इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट, ये किसका करेक्ट है, ये सही है सर, क्या इसमें सही है अगर बताओ। इसका सी नहीं होगा, ही स्टार्टेड तो नहीं है, वो तो ओलंपिक मिस किए थे और तोड़े थे, तो जो कॉर्प्स ऑफ चगलन को, तो सी ठीक है नहीं तो। होगा। और डी में चंगेज खान ओलंपिक मिस के समय आए थे, तो ये गलत है, तो डी भी गलत है। अब ए आते हैं तो ये रिसीव द लेटर ऑफ रिकग्निशन बिकमिंग द लीगल, ये गलत है सर। और जो बी ऑप्शन है वो प्रैक्टिस करते थे, मतलब नेम ऑफ टैलेंट कंटिन्यूड वॉज कंटिन्यूड था। कंटिन्यूड, तो ठीक है। तो सच क्वेश्चन इज नॉट गोना कम अप, क्वेश्चन इज गोना कम अप ऑन एडमिनिस्ट्रेशन और समथिंग लाइक दैट। चलिए आगे, मुडीमन कमेटी कैसे ये मेरा गलत हुआ सर, भाई, क्या मारा आपने इसमें? सर मैंने इसको बी मार्क, डी ए बी डी है, बी फॉर बॉम्बे किया बी आपने। यस सर। अबे कभी हो सकता है ऐसा है? वो आपका बटलर कमेटी है, हार्कोर्ट बटलर कमेटी, इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसेस स्टेट्स, हार्कोर्ट बटलर 1927। इसका सी आंसर है। हाँ सर इसका सी है, पहले भी वो कुछ होगा सर, छोटा कमेटी पर तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 60, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, क्या बोला तूने कौशिक? सर 1924 पहले लिखा हुआ था ना सर, तो फिर मुझे कोई जो भी हो कमेटी होगा यार, और इसमें कोई गलत बोला नहीं सर। होना चाहिए, सारे रट लो उनको। और किसी ने नहीं किया था ये क्वेश्चन? 59। नो सर, नहीं चल सर भाई मैंने अभी तो किया तुम, था ये। सर मेरा रोंग था, पहला कोई बात नहीं, ठीक है चलो 60। ऑप्शन सर चंद्रगुप्त टो, गलत आंसर नहीं। 2 एंड 3 आर करेक्ट। समुद्रगुप्त है ना सर वो तो। चलो चलो, हाँ चलो आगे चलो। 61 इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे तो लिखा हुआ कि स्टेट कैन नॉट इशू, ये गलत है सर, हाँ ये गलत है। दूसरा इट कैन इशू। और करेक्ट, दूसरा सही है, फिर तीसरा गलत है सर, थर्ड नहीं, तीसरा नहीं पता था सर, वो फोर्थ वाला देखेंगे तो कर सकती हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज पर। हाँ सर और तो इसमें क्लियरिंग गलत। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है फोर्थ वाले में, चलिए फोर्थ नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट, चलो तो ये नेक्स्ट, फोर 62। कैसे हो जाएगा, मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है ना यहाँ पे। हाँ तो गलत है ना वो, हाँ गलत है। क्वेश्चन जो नंबर 62, वो लिखा हुआ है कि रिड्यूस कैसे होता है वेट उसका, हाँ तो इसमें वेट मिस्टेक रिड्यूस हुआ तभी होगा होगा उसमें। जब कोल में रिड्यूस होता है, आयरन ओर से आयरन बनता है तो रिड्यूस होता है वेट, शुगर केन में वेट रिड्यूस होता है, चीनी बनता है तो सिर्फ एक ही में कॉटन का नहीं होता, बाकी चलिए, आंसर न्यू निकल गया। पेंशन स्कीम, एनपीएस एंड तो ओपीएस। पहला ऑप्शन लिखा हुआ था डिड नॉट गारंटी, ऐसा नहीं है, ओल्ड पेंशन में गारंटी था, न्यू पेंशन में ऐसा नहीं, नहीं है, उल्टा है। तो उसी से आंसर निकली सर। टू थ्री चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, ये नहीं किया सर।
इसमें सेकंड वाला गलत है, उसमें रिफंड किया जाता है जो सेकंड वाला है, और दूसरा वाला सॉरी थर्ड वाला करेक्ट है। सर मैंने इसे थर्ड द लगाया शोडाउन सर, स्कीम। क्योंकि तो फर्स्ट एंड सेकंड में सर दोनों की इंटरचेंज करी है स्टेटमेंट तो यानी आप कह रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, हाँ जी सर, सर रॉन्ग पहली है भी रॉन्ग है, सेकंड, पहली भी रॉन्ग है, पहली और थर्ड दूसरी को करेक्ट। ठीक है, थर्ड ओनली करेक्ट। ये वाला चलो आगे, कॉन्सेप्ट कहाँ दिया शाबाश। हुआ, मतलब करंट कौन डिफरेंस कौन कॉन्सेप्ट कहाँ ये है वाला ये? इंटरेस्ट इक्वलेशन स्कीम। सर इसमें ये देखो ना, रिबेट ऑल द टैक्सेस और ड्यूटीज क्यों करेगा, कुछ उसका परसेंटेज कर सकता है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज थोड़ी होगा। RODTEP। सर फर्स्ट वाला कह रही हूँ मैं सर, हाँ तो फर्स्ट ये वाला तो रोड सेकंड है ना, और सेकंड वाला फर्स्ट है। जी सर, ये रिमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन हाँ, टैक्स मतलब ऑन सेकंड वाले में एक्सपोर्ट, तो रिबेट दोनों की टाइप का बात ये है, हो वो गया। इंटरचेंज है जो प्रवेश कह रहे हैं। हाँ तो औशिक इज सेइंग कि ये तुमने कहाँ से देखा? ये सर मतलब जो मतलब इकोनॉमिक्स के बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज है, जैसे कि विजन और वाजीराम का जो मैंने पीडीएफ पढ़ा, मेरा वहां से हो गया। और सर ये सेकंड ठीक है वाली मैं लिख लेता स्कीम सर, सोर्सेज भी जो आती रहती ओशिक का है, टर्म सोर्स, लिख ले सर उससे पे देख, जो चलो आगे। ओशिक का सोर्स है सर, उससे ही मैंने पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट। 65 ये भी ICOR, कॉन्सेप्ट ये तो है। ठीक है, ये तो ठीक होना हाँ सर चाहिए। जी, हाँ ये वन ओनली हाँ करेक्ट सर है। सही, वन ओनली, लो ठीक आईसीआर है। मतलब कि लो कैपिटल में ज्यादा मिल रहा है आपको एफिशिएंट, तो एफिशिएंट ज्यादा हो। लो ICR मीन्स यू आर मोर एफिशिएंट बेसिकली। हाँ, हाँ लो कैपिटल यूज कर रहा है तो रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, लो आईसीआर हाँ चलिए तो सिक्सटी एफिशिएंट ज्यादा सिक्स है। सॉफ्ट पावर मतलब कि विदाउट हार्ड पावर यूज करके आप कर रहे हैं, तो पहला थ्रू ऑप्शन रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रॉन्ग है, हाँ रॉन्ग है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, सेकंड भी एक रॉन्ग। पार्ट है, हाँ पार्ट है सर पार्ट है। हार्ड पावर का, तो पावर थर्ड स्टार स्मार्ट पावर लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिवली रिलेटेड लिखा हुआ है, ना रॉन्ग। तो उसमें न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, ये नहीं। सर इसमें मैंने किस टू है लगाई कि है, पहले गलत है, जर्मनी सही नहीं है है, आपका, ब्राजील है सर। आपका सही है। मतलब सर आंसर अगर मान के हाँ बता जी दे सर, तो। आंसर टू ओनली है। चलो 68 ये सही है सर, अच्छा। ये उसमें रोना मिलता सर, बेस्ट जो बिल है इट इज फॉर रिवैम्पिंग द एग्जिस्टिंग एसईज इन इंडिया। जी सर मेरा भी यही है। राउंड ट्रिपिंग ये नहीं, ये मैंने कौन किया है से? सर। हाँ सो इसमें 6 से 8 इन्वॉल्व्स सर क्रिएटिंग इसमें कॉन्टेक्ट फॉर वन न्यू ट्रांजैक्शंस, कंपनी वन इज करेक्ट, दूसरे में ये बोल रहा एंड है थर्ड इज यूजर आल्सो को करेक्ट सर। एसेंशियल फीचर नहीं है, ब्लैक मनी यूज हो सकता है बट टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए भी राउंड ट्रिपिंग की जाती है, तो सेकंड गलत हो गया, और थर्ड वन है द पावर टू रेगुलेट राउंड ट्रिप, सही है सर। थर्ड थर्ड भी गलत है। किसके पास पावर है फिर रेगुलेट? रेगुलेट तो रेगुलेट क्या, स्टॉप होना चाहिए राउंड ट्रिपिंग तो। इसका आंसर हाँ जी सी सी है है सर, सर, रेगुलेटिंग की ओके। बात ही नहीं होनी चाहिए उसमें। सर ये राउंड ट्रिपिंग में सेबी और आरबीआई के पास पावर है अंडर दी कॉर्पोरेट मतलब अरे पेमेंट वो एंड तो है, सेटलमेंट लेकिन एक्ट, उसको रेगुलेट क्यों करेंगे, उसको प्रोहिबिट करो या उसको रोकेंगे ना, रेगुलेट क्यों वो करेंगे प्रोहिबिट राउंड हो नहीं ट्रिपिंग? सकता ना सर, प्रोहिबिट हो नहीं सकता वो। तो रेगुलेट ही है लिखे, वर्ड वहां पे रेगुलेट है। क्या आंसर है जी मानसी सर इसका? रेगुलेट ही करता है वन मैं। एंड हाँ थ्री सर है सी सी है एस सर है इसका, इसका, वन वन एंड एंड थ्री। थ्री। चलो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। ये नहीं किया सर। नहीं नहीं किया। किया, ये शिफ्टिंग अच्छा कल्टीवेशन सिस्टम द आंसर इज, डी, थ्री एंड आंसर फोर। इज डी, 3 एंड 4 पूर्वा तो पता होना चाहिए भाई तेरे को औशिक। सब देख चलो लेंगे सर नेक्स्ट, ठीक है। कोई बात नहीं नेक्स्ट। चलो 71। ये भी नहीं पता है सर मैंने सर, ये ये लिखा लगाया। होता अरे ये तो बैंक आया है, ये बैंक का इंश्योरेंस। एश्योरेंस, हाँ सर ऐसे कुछ हाँ लिखा होता तो उसी डी से लगाया सर मैंने। सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी थ्रू बैंक इंस्टीट्यूशन मानसी सी एस तुमने छोड़ दिया इसका। ये, हाँ जी, ये नहीं किया मैंने। तो दिस इज नॉट द आंसर क्या हो सर, सी। सी सी है, सी आंसर है, मैंने क्वेश्चन नंबर डी सेवेंटी लगाया टू था। ये सही है एक मिनट सर, रुक जाए, डी क्या जरा पढ़ने दो। इट इज द टर्म डिस्क्राइबिंग द नीड फॉर एश्योरेंसेस। सी ठीक है यार, अवेलिंग लोन्स तो चलिए नहीं होगा, अश्योरेंस की चलो बात कर चलो चलो आओ, मतलब ठीक है। 72 सही है सर। ये लॉज मेड बाय स्टेट नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट, तो ये सर डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी नहीं होता है। वो तो जितना लॉ का पार्ट आपका जितना एप्लीकेबल होगा उसको कहते हैं लॉ ऑफ सीवरेबिलिटी, हाँ जितना पढ़ो। हाँ सर, फिर जितना सेकेंड ऑप्शन एप्लीकेबल होता है। लिखेंगे डू नॉट शुड नॉट बिल्कुल इंक्रोच सही अपॉन बात, ईच अदर स्पीयर, तो सर वो गलत इनक्रोच है सर, तो नहीं, इनक्रोच तो नहीं डॉक्ट्रिन करना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर है सर। तो ठीक है, और ये पिथ एंड सब्सटेंस
अब ये नहीं पता सर, मुझे दो गलत निकला, उसका नाम से मार्क कर। चलो तो ये एक आंसर के आंसर बोल रहे कि थ्री पेयर्स आर नॉट करेक्ट, एक और जो थर्ड वाला फोर्थ वाला कि वॉट एवर लेजिस्लेचर कैन नॉट डू डायरेक्टली इट कैन नॉट डू हाँ बिल्कुल सही बात है, इनडायरेक्टली बिल्कुल सही बात है, फोर्थ इज करेक्ट सर। हाँ सर, तो भाई, जो बात आप उसका सीधे तरीके से नहीं कर सकते उसको टेढ़े तरीके से भी नहीं कर सकते, पर फिर भी ये हमें पता होने चाहिए, ये चारों डॉक्ट्रिन जो है बहुत मेन स्ट्रीम की हैं, ये आपको रिवीजन में पॉलिटी के सब पता होना चाहिए, ये प्लीज गो फॉर इट। चलो, पावर ऑफ सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, है हाँ सर, सर सी। ठीक कि लीगल प्रेसिडेंट रहता है है, इट चलो इज बाइंडिंग ऑन चलो ऑल चलो, कलेक्टिव क्वेश्चन नंबर 74, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी कलेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सर, क्यों नेटो के भाई अगेंस्ट लगाया में बात है, बाद में हुआ था 1990s में हुआ था, था? और इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान है, और यूक्रेन कहाँ से होगा इसमें? यूक्रेन और तुर्क, यूक्रेन का नहीं पता था सर मुझे, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान, नहीं है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब। ओनली तो द टू इज करेक्ट आंसर करेक्ट, इज ओनली टू इज करेक्ट। ये चलो 75, गलत है सर। सर सी शून्य है क्या सर, मैंने आपके डी सर? मैंने इसमें एक केस, यार, डी मैंने भी कैसे डी पॉसिबल है रखा भाई, सर, कैसे मैं हो सर सकता डी है तो डी? आंसर बता रही मानते। नहीं डी आंसर आंसर सी मानते, है, सी है। सी अरे डी सी है हो, इसका डी आंसर। तो हो ही नहीं सकता, जीरो ड्रॉप आउट तो पूरे मतलब गोली मार दो सबको तुम, तब भी जीरो ड्रॉप आउट नहीं होगा, जीरो ड्रॉप आउट कैसे हो सकता है, जीरो ड्रॉप आउट तो गोल करना ही रॉन्ग है, मतलब उस तरीके से बोला जाए तो। शून्य क्या है, ये आपका अवेयरनेस कैंपेन हो सकता है एयर पोल्यूशन के लिए, बिल्कुल, ताकि आपका वो तो फिर भी सॉलिड लग रहा है मुझे। किसी ने सी और डी के अलावा कुछ और भी लगा दिया, ये सर, तूने ये लगाया है, हाँ तो सर, नहीं है सर, शून्य क्या है उसमें, मतलब कार्बन शून्य हो जाएगा, मतलब कार्बन कि तो नेट रहेगा। जीरो अरे लिखा, नेट जीरो भाई कार्बन नेट जीरो एमिशन। कार्बन एमिशन जीरो होगा ना, तो शून्य तो कार्बन फिर भी नहीं, मतलब चलो ठीक है, लेकिन सी इज डेफिनेटली मच मच मोर तो वायबल। लेकिन अगर ए चलिए लगाए तो ए तो सर, वो होना पंच चाहिए, अमृत है ऊंचाई सर, ये टारगेट तो कभी दूसरा इसके साथ ही, शून्य कैंपेन सुना नहीं तो ए नहीं हो सकता, इसलिए करेक्ट। हाँ ठीक बात है, पर डी भी नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, 76, ICET, से इंडिया और यूएस के बीच में था, इंडिया करेंट और अफेयर का यूएस पार्ट है के सर, बीच में। हाँ जी, तो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपस टेक्नोलॉजी में कहाँ शेयर पे, करने के लिए, वन विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन करने था बेसिकली। ओनली थ्री इज तो करेक्ट थ्री इसमें, ओनली थ्री इज करेक्ट। चलो ठीक है, क्वेश्चन इनिशिएटिव नंबर यूएस सेवेंटी एंड सेवन इंडिया, वो वन वाटर अप्रोच, वन वाटर होगा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ ये है सर टेक्निक होगा सर, आपका, सही है सर मेरा, डी ठीक का सर। है। क्वेश्चन नंबर हाँ सेवेंटी सर, एट तो इसमें हैफा तो ये गलत है इजराइल सर, है, तो हैफा फर्स्ट रॉन्ग है, ऑपरेशन सेकंड दोस्त करेक्ट है, और करेक्ट है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थर्ड साउथ गलत साउथ होगी सर, कोऑपरेशन, थर्ड क्यों गलत है, ग्रुप ऑफ मतलब फ्रेंड्स आपने साउथ लगाया है तो है सही क्या है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, सर, सही इसमें सिर्फ सेकंड है, सेकंड है। मैंने टू चलिए मार्क किए सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, नॉट रिपील्ड, वर नॉट रिपील्ड, ओनली टू, सेकंड इज नॉट रिपील्ड, अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल, वन एंड ये थ्री आर रिपील नहीं हुआ ना रिपील्ड, सर, अबॉलिश हो चुका है, रिपील नहीं हुआ, वापस से पैसा देना नहीं स्टार्ट किया। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम की बात कर रहे हैं ना ये, तो हाँ तो फिर आंसर कैसे, ओनली टू, तो ये 80 जॉम्बी किया आइस, ये नहीं किया सर, नहीं ये किया सर, सर, मैंने गलत है सर किया सी बेटा। लगाया सर मैंने, सी है इसका, हाँ सी सी सर, सी विदाउट रिप्लेसमेंट ड्यू टू लेसर स्नोफॉल। मैंने डी मार्क किया इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, चाइना चाइना टाइप क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये कॉन्सेप्चुअल है सर, ये मैंने छोड़ दिया सर मैंने लगाया सर। इसमें, बी लगाया सेकंड एंड ओनली, यू आर, एंड यू आर राइट, रॉन्ग, आई एम आंसर श्योर सर, रॉन्ग डी सर, डी डी रॉन्ग, नहीं ठीक है। दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, मिनरल सिक्योरिटी ये सही सर, पार्टनरशिप, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इज रिलेटेड टू यूएस एंड अलायंस ऑफ कंट्रीज, हाँ वो एटॉमिक बोला था एनर्जी टू काउंटर जरूरी चाइना है, बेसिकली, तो आइए ये नहीं है सर। तो इंडिया इज अलायंस मेंबर, नो, क्योंकि ओनली टू, इंडिया यूएस लेड है और बाकी सब कंट्रीज क्या अलायंस में इंडिया नहीं, नहीं है, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। इंडिया नहीं है सर, तो टू चलिए, इंडिया बांग्लादेश किस किस का पार्ट है, IORA, G20, G20 नहीं है, NDB, और फिर NDP का हो सकता है,
नॉन अलाइनमेंट हो गई, और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इंडिया भी इंसाइड नहीं है सर इसमें, तो फिर बांग्लादेश में नहीं है। 1, 3 और 5 2 तो नहीं है, 4 नहीं है। 1, 3, 5 ओके, तो यू मार्क 1, 3, 5 ओशिक 83 यस सर, ओके क्योंकि सर 1, 3 और 1, 3 और ठीक वन है फाइव ठीक और है, 1, 3, 5 है, तो फिर एनडी भी हो चलो सकता ठीक है। हमें यहाँ पे है ऑप्शन से नहीं सर। जाना, फोर हमें नॉलेज भी देखनी है। हाँ मतलब अगर रीजन दे तो 4 क्यों नहीं है? भाई फोर्थ वो जो कॉन्सेप्ट वो अपने आप इंडिया भी नहीं है में सर, इंडिया भी नहीं है सर, है इंडो इसलिए मैंने पैसिफिक मार्क है, नहीं किया था। इंडो पैस नाम पढ़ो ना आप, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है हाँ सर वो, इंडिया नहीं है सर, सही है मेरा तो सर, नहीं इंडिया नहीं था क्योंकि इसमें सर। वो जो है वो यूएस लेड इनिशिएटिव होना चाहिए, और उसके बाद उसके 4 पिलर्स भी हैं, और उस 4 पिलर्स के अंदर वो बात करता है डेवलप्ड इकोनॉमीज की, ट्रेड होना चाहिए उसमें, एनर्जी होनी चाहिए, सप्लाई चेन होना चाहिए, कुछ और भी होगा उसके अलावा, ठीक तो OECD जुड़ा हुआ है सर भाई उससे, हम कहाँ हैं उसके। सर, फोर्थ वाला चलिए इंडिया है इसमें, आम, हाँ जो पहले आम नहीं है आम सर, फोर्थ में इंडिया नहीं है, फोर्थ में इंडिया है, बांग्लादेश नहीं है। इंडिया है। हाँ मेरा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इंडिया है? हाँ हाँ जी, सर। ओ ओके, पर तो मेरा गलत तरीके से आंसर बांग्लादेश निकले, बांग्लादेश तो नहीं है हाँ, लेकिन अच्छा बांग्लादेश की इंडिया बात हो रही नहीं। है ना ये, तो मैं इंडिया की बात, बांग्लादेश की बात हाँ हो रही सर है मुझे भाई, लगा कि इंडिया है तो फिर बांग्लादेश हो सकता है, इंडिया ही नहीं रहेगा तो कहाँ से, तो मुझे हाँ नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। तो यानी कुल मिला के आंसर हो गया 1, 3, 5, नो जी नो सर, 1, 3, 3, 5 फाइव, करेक्ट, ये हाँ करेक्ट, हाँ। चलिए एंटी रेडिएशन गलत मिसाइल्स, है सर, ओके ए तो नहीं ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये न्यूट्रलाइज नहीं करता है, बेसिकली एंटी रेडिएशन नहीं, है, इट गलत ही विल पूछ रहे बाईपास क्वेश्चन, रेडिएशन, तो पहला ऑप्शन गलत है। नहीं पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, और ये क्वेश्चन मतलब इनकरेक्ट पहला है गलत इसलिए है पूछ लेकिन रहा। इसको मार्क करेंगे 1, वो बात है, मतलब इनकरेक्ट इनकरेक्ट है ना, पूछ रहे अरे ना पर। हाँ 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 इनकरेक्ट पूछा तो सेकंड सेंटेंस इनकरेक्ट है, पहला तो सेंटेंस सर करेक्ट पहली है, तो स्टेटमेंट तो आंसर तो सही है ना। ओनली 2 हो गया। अच्छा हाँ अच्छा हाँ हाँ इस तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 85। हाँ प्रवेश, सर, इसमें मैंने ये लगाया चाइना पाक, 85 चाइना नेपाल, सही है ठीक है, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 86, डी हाइफनेशन, दिस इज ये तो आता है मुझे, इसराइल और पैलेस्टाइन, तो फिर हाँ उसका देखा जाए सिरिलेशन तो फर्स्ट ए वन, ऑप्शन देखा है, डीलिंग विद टू कंट्रीज, दोनों का आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इंडिपेंडेंट मैन से, तो दिस वाज अ न्यू जो फिर प्राइम मिनिस्टर ए ऑप्शन, विजिट थे, तो यू विल गो फॉर एडवर्सरी है दोनों, ये दोनों सर, कंट्री ये एडवर्सरी एक दूसरे का, एंड इंडिया विल डील विद देम विद इंडिपेंडेंट मैन का, बस ए ऑप्शन। ए होगा ना फिर हाँ इसका, तो सर क्वेश्चन नंबर 87, 87 ये गलत है, ये जी नहीं फोर किया सिर्फ मैंने, पता था और ए पता था, 1 पता था, इट इज सेइंग और ओनली किसी ने, टू इज करेक्ट, सर मैंने तो बी जी लगाया, अच्छा मैंने सर मार्क कर दिया, डी मार्क किया आपने सारे मान दिए, सारे करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया। सर, वो और जबकि L69 सर हो नहीं सकता, मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है L69, और मतलब ये बोल रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, तो ऐसा तो उसके लिए नहीं है मतलब। तो फिर आपने क्यों मारा 1D मारा फिर, सर मैंने तो बी मारा है ना, खाली 2 बी, करेक्ट है। ओके 2 ओनली, चलो ठीक है ओके। नेक्स्ट 88, ये छोड़ दीजिए, नहीं किया ये भी अच्छा मैंने, छोड़ दिया। इसका वन आंसर टू फोर सी है सर, करेक्ट, डाकिंग बार बार बिगेस्ट सऊदी अरेबिया में फील्ड है, वहां पर बारगन भी, बुरकान फील्ड भी सी का वसी है, मतलब है सिर्फ आप अहवाज फील्ड तुर्कमेनिस्तान में अहवाज जाने के फील्ड रॉन्ग इज है, इन ईरान सर, ठीक है तो चलो इरान ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, ये भी गलत है उसमें, सी है इसका आंसर, बोथ आर करेक्ट, सी एस कौन सा, तो आपने क्या मारा आशिक, क्योंकि वन इसमें ए, गलत किया था मैंने भी, कि टेलर मेड लेकिन टेक्नोलॉजी मेरा सही सॉल्यूशंस था, हर दोनों इंडिविजुअल लगा कंट्री के दिया, लिए, तो इट इज ए इम्प्लीमेंटेशन आर्म, ऑफ UNFCCC तो है तो ये, आपने बोला ऐसा ऐसा नहीं है आपने सोचा, ओके व्हाट तो मैंने अबाउट सोचा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 90, फर्स्ट गलत है, हाँ अच्छा आपने सोचा सेकंड नहीं है, आपने सोचा फर्स्ट नहीं है, ठीक है टेलर जी, मेड तो हो सकते हैं टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस माय डियर। क्वेश्चन लेकिन नंबर इंडिविजुअल 90, कंट्री अरे हर करना ही कुछ मतलब यार, वो बोलने की बात है, अब एकदम अलग अलग थोड़ा ना होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा है, कोई कोस्ट पे है, कोई डेजर्ट के बीच में है, कोई शोर पे है, कहीं पे कुछ है, क्लाइमेट चेंज का तो रिड्यूस करने के तरीके अलग ही रहेंगे ना। अब जो कुवैत में तरीका है वो जो है अमेरिका में थोड़ी ना है, कुवैत में तो अब
बात ही दूसरी है, इंडिया में भी नहीं है वैसा तो, मुंबई में जो होगा वो कुवैत में नहीं होगा। 90 90 सही से पहला सही है ऑप्शन, मीथेन इज अ प्राइमरी कंपोनेंट। सेकेंड ऑप्शन से नेचुरल इंडिया इज अमंग द टॉप एमिटर, टॉप 5। हाँ टॉप हो सकते हैं, 5 बिल्कुल है, जानवर भी वेटलैंड देते हैं वो तो। सही है, लार्जेस्ट सोर बिल्कुल ऑफ सही बात है। इंडिया, और फिर मीथेन इज अ प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ये भी ओजोन। करेक्ट है, हो सकता है ऑल ऑल करेक्ट इसमें। ग्राउंड लेवल ओजोन इज चलिए बेसिकली पॉल्यूटेंट। हाँ तो चलिए 91 कण्वा, कण्व सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन्वेजन ऑफ साका ट्राइब्स, अच्छा इनटू, चलिए आगे इंडिया, इक्ष्वाकु ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट तो, दूसरा पेड़ तो करेक्ट है, वकाटका तीसरा भी करेक्ट है, रूलर हरिसेना, हरिसेना वाज नॉट अ रूलर और ही वाज चालुक्या, ये भी क्या मारा आपने बताइए। नहीं सर गलत है, तीसरा वर्ष हाँ तीसरा गलत है ना, हरिसेना वाज नॉट अ रूलर, ही वाज अ रूलर। मैंने तो नहीं मार्क किया इसको, मैंने आपने क्या मार्क किया मैं पूछ रहा हूँ यार। नहीं मार्क किया इसको। तो मैंने भी नहीं किया पी। अरे हरिसेना हमने समुद्रगुप्त के टाइम पे नहीं पढ़ा, हरिसेना तो कोर्ट पोएट था हाँ जी तो रूलर इसीलिए रूलर तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए गलत हो गया वो गया। समुद्रगुप्त पिलर का, तो इसका मतलब है 3 रॉन्ग हो गया। तो आपने क्या है, इसका आंसर क्या है? सो थ्री इसका पेयर, आंसर ओनली 3 है, हाँ तो ओनली 3 का मतलब है कि तीन ओनली पेयर थ्री बता करेक्ट रहा है हूँ सर, ना, तो वन पैर पहला गलत करेक्ट है, है। दूसरा करेक्ट है, अरे पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है, तभी ओनली 3 होगा। चलो नेक्स्ट, मेगस्थनीज, सेकेंड फर्स्ट इज स्टेटमेंट राइट, लिखा हुआ है फर्स्ट इज कि राइट, फर्स्ट इज ही ट्रू, नोटेड हार्श ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स, गलत। वो बोलता था कि वो स्लेव ही नहीं था इंडिया, हाँ स्लेव बिल्कुल ठीक का बात। हाँ तो सेकंड इज उसी से रॉन्ग निकल गया बेसिकली। सर। पहला हाँ सही है कि ही गेव डिटेल चलो डिस्क्रिप्शन। चलो चलो वेरी गुड। 93 तो इसमें वन है, वांग्या नारी समाज, ये करेक्ट है, तुक्का चलो ठीक है। मारा था ये पर सर मेरा गलत हुआ था सर, क्यों मारा आपने, क्या कर दिया मैंने आपने, सी गौर मार्क किया था कीजिएगा। सर, ट्रेनिंग वुमेन वीडोज, अच्छा जी मैंने भी सही किया था सर। चलो तुम लोग बह गए ज्यादा, ठीक है, मानसी ने नहीं सर नारी बहने की शक्ति, बात नहीं है सर, मतलब मानसी ने अगर नारी स्टेटमेंट शक्ति आप का देख प्रयोग रहे किया। हैं, मतलब मानसी ने बोल रही है, मानसी कह रही वाइल्ड गेस लगाए, क्योंकि सर सिक्योरिंग वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, और दूसरा कह रहा है इंश्योरिंग सिक्योरिटी फॉर वुमेन इन पोस्ट प्रेगनेंसी, वो तो और रॉन्ग है, चौथा कह रहा है बी तो फालतू है। वुमेन कॉलेज, तो ये सारी चीजें सर चौथा देखो, डी चौथा पे और गलत डी है, पे डी भी नहीं होगा और भी बी भी नहीं होगा, लेकिन नहीं सी जो होगा। है ना, सी इतना ज्यादा है, इतने सारे थे, पूछो मत। और तुमने अगर कुछ वुमेन विडो उड के लिए होता तो रविंद्रनाथ टैगोर से सर लेके और आप सत्येंद्रनाथ देखेंगे जगत सर को इनाम आई इंस्ट्रूमेंटल जाता, रोल लिखा हुआ है सर, तो मतलब अगर मेरा आप बहुत कंपेयर बड़ा करो रोल है। लाइवलीहुड के लिए और वोटिंग राइट्स, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वोटिंग राइट्स हुई ना उसके लिए, अगर हाँ हाँ लीगल चला था तो, यस, इसलिए आई ऑप्टेड फॉर ए। और ऊपर से पूछ भी रहा है वो इंस्ट्रूमेंटल वर्ड कहाँ पर है, हाँ सर पहला प्लेड अच्छा एंड प्लेड इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल रोल रोल, इन। हाँ तो बंगे नारी समाज हो सकता है ना, हाँ वोटिंग राइट सर फॉर बंगाल इन बंगाल प्रोमिस हो सकता है। गुड 94 ये डी है सर इसका, स्नेक मोटिव। द पेंटिंग इज जनरली एग्जिबिटेड, कौन सी है ये, मंजूषा पेंटिंग, अच्छा हाँ सर ग्लासेस, मंजूषा, राधा बी एंड कृष्णा, ऑप्शन ब्लैक एंड कलर, अच्छा स्नेक मोटिफ, सर क्या है इसका, गलत क्या है इसमें, डी है, करेक्ट इसका पूछ डी है रहे सर, सर, करेक्ट है सर इसका। मैंने सेकंड दैट्स व्हाट ऑप्शन बट गलत। मंजूषा तो बिहार में होती है ना, हाँ सर आपके मधुबनी की तरह तो है मंजूषा, नहीं डिफरेंट है सर, मधुबनी से ये बेसिकली स्टोरी डिपेंड करते हैं फोक मंजूषा में। पेंटिंग है ना ये भी, फोक हाँ फोक पेंटिंग है ना पेंटिंग, ये। हाँ सर चलिए 95 पोस्ट मॉरियन केव आर्किटेक्चर, पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द केव मर्ज फॉर द फर्स्ट टाइम, पोस्ट फर्स्ट मॉरियन मोनोलिथिक। यहाँ पूछ रहे सर, तो फिर पोस्ट मॉरियन बेसिकली प्री गुप्ता यहाँ बात कर रहे हैं। प्री गुप्ता कहाँ लिखा है ऐसा, नहीं पोस्ट मॉरियन मतलब क्या हुआ, पोस्ट मॉरियन यहाँ पर पोस्ट मॉरन का मतलब मौर्य के बाद दे रहा है जो भी दे रहा है, अब उसके बाद क्या दे रहा है वो बात दूसरी है, कि उससे पहले नहीं था, मौर्य के टाइम तक ये नहीं था। अब सर ये मैंने जैसे इसमें इसमें बी लगाया जी बी फॉर बॉम्बे, सर। अच्छा और आंसर क्या है मानसी, सर यही बी है एस एस का आंसर सही है, थ्री बी ओनली, हाँ, क्योंकि देखो डेकोरेटिव गेटवे तो सांची तो में आ वो गए थे, लोमस ऋषि
वो भी है, चलो केव। ठीक है, लोमस ऋषि हो गया तो हाँ चौथा हट गया। तीसरा, दूसरा फर्स्ट मोनोलिथिक रॉक कट नहीं, ये टेम्पल, सर दशावतार वो तो रॉन्ग हो गया। टेम्पल बाद में, अ फोर्थ पेंटिंग सेंचुरी ऑन द वॉल केव, ये भी रॉन्ग है क्योंकि वो अजंता और बाघ में आएगा भीम अजंता। बेट का। तो बस पहला चला गया, दूसरा चला गया, चौथा भी चला गया, सर तो तीसरा अपने आप बच गया। लेकिन ये तो सही होगा, लेकिन वैसे डाउट था मेरे को, क्योंकि बोलो। पोस्टमार्टम यहाँ बोल रहा है तो उसका टाइम अरे लिमिट कुछ है क्या इसका कोई कि। टाइम लिमिट नहीं है, ऐसे ही बोला इसने। पोस्ट मॉर्न का मतलब है कि मॉरन टाइम, मतलब ये सारी चीजें जो लिखी गई हैं इनमें से पोस्ट मॉर्न में कौन कौन सी चीज है, मतलब उससे पहले कौन सी सब तो थी। पोस्ट ही मॉरन है सर इसमें। हाँ बिल्कुल, सब तो पोस्ट मॉर्न है, लेकिन जो ये चैत्या हॉल है जो कार्ले वाला, वो बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड बोल दिया ना उसने, हाँ सर, तो हाँ तो बस फिर ये पीरियड के आसपास हो गया ये बेसिकली। ठीक है, फ्रेमिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बहुत सारा नॉलेज वो आ रहा है तो ठीक है। 96 एलिफेंटा, सब फोर्थ फर्स्ट इज तो फिर रॉन्ग, डायरेक्टली एलिमिनेट हो सेकंड नहीं, जाएगा, तो सर फोर्थ वाला तो गलत इसमें मैंने है, ए लगाया। कंप्लीट एब्सेंस। तो 1 2 3 करेक्ट। नहीं, वन हाँ इज, सर, अच्छा एलिफेंटा है ना ये, यहाँ पे है। चलो त्रिमूर्ति भी है, वाटर त्रिमूर्ति टैंक्स, है, फिर वाटर टैंक भी है सर, चलो ठीक है। और हिंदुइज्म बुद्धिज्म कभी की। सर 97 टिश्यू कल्चर, सर सी होगा इसमें, लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। ओके, वो साइंस के क्वेश्चन इस टाइप के तो बहुत थोड़े थे, खैर बायोलॉजी टाइप के। तो 98 ये वाला मेरा न्यूट्रिनोस, कॉन्सेप्चुअल कर लेते हुआ सर, तो फिर उसको देखते। ओहो वेरी सैड। वन एंड हु फोर मार्क्ड इट करेक्ट, 1 एंड 4। सर, मेरा भी गलत अच्छा हुआ है। ये मेरा सही है सर। आपका सही है, कैसे प्रवेश जी? सर मतलब अब मैंने सर जनरली, क्योंकि सर आपने मुझे एक बात बताई कि साइंस के क्वेश्चन में अगर जनरल स्टेटमेंट है तो वो जनरली ठीक ही होती है, तो पहले मैं कह रहा कि प्रोड्यूस यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड तो पॉसिबल है। और सर ये सेकंड कह रहा, व्हाइल देयर पॉजिटिवली चार्ज इन स्पेस दे अटेन नेगेटिव चार्ज अपॉन इट्स एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो सर अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर कोई चीज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, और अच्छा दे आर हार्ड टू डिटेक्ट एज दे नेवर इंटरेक्ट विद अदर पार्टिकल, तो सर अगर धरती के अंदर आ रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है किसी चीज के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। और चौथी स्टेटमेंट कह रही है कि स्टडिंग न्यूट्रिनोज कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो सर न्यूट्रिनोज कुड बी वन ऑफ द मतलब रीजन टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ऑन दिस बेसिस वेरी ऑप्शन 1 एंड 4। ओके चलो, थैंक यू। तो 99 न्यूट्रिनोज के कोई चार्ज ही नहीं होते, बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, चलो, कोई उससे क्या हुआ? ठीक है, नहीं होते, नहीं तो से भाई बायोलॉजी ये में ठीक अपना था। अपने उसमें तो कर गया ना, लेकिन ये ठीक है, हाँ निकाल सर, तो गया। हाँ हाँ चलो 99 भाई, पीटी है ये 99। ये सही है सर। से जो पहला ऑप्शन है ना, ये बेसिकली एटलस दिखा हुआ है और बोल रहा है कि जॉइंट इनिशिएटिव इसरो एंड जैक्सा रिलेटेड टू द एस्ट्रोइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट। ये तो नासा ये सब किया था सर, इसरो सुने भी नहीं अभी तक मैं, अच्छा तो फिर इसी से निकाल। तो पहला रॉन्ग हो गया, तो आपका हाँ दूसरा सर, और तीसरे में से कौन सा करेक्ट लिया फिर आपने? अब इसमें 2 और 3 देखा जाता है, तो 2 और 3 अलग अलग दिया इसमें, तो फिर 2 वाला ज्यादा एज कम्पेयर टू, एप्पल कि स्पेस बेस ऑब्जर्वेटरी लिखा हुआ है सर, ऑब्जर्वेटरी नहीं सर बेसिकली, तो फिर थर्ड ऑप्शन ये ठीक है, 100 पे आ जाइए अब। गलत हो IUCN, सर। अरे यार ये क्यों गलत किया? ऑल आर करेक्ट, इसमें ये ऑल करेक्ट, करेक्ट है। ठीक है, ये गुड दूसरा लर्निंग, कॉन्सेप्ट गुड आयुष्मान का पॉइंट्स, ये वाला, ठीक ठीक है, वंडरफुल, है गुड लर्निंग, गुड पॉइंट्स, एंड वी विल पिक अप द नेक्स्ट पेपर और सम मोर आइडियाज इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर, एंड वी होप टू कन्वर्ट आवर लर्निंग्स इनटू सक्सेस फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच।